साइकिल और पोशाक नीतीश जी ने बांटी। हर सरकारें कुछ न कुछ बेहतर करती है, साइकिल पोशाकें बांटी गई, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार में महागठबंधन की सरकार है, नौकरियां दी जा रही है, लेकिन नौकरी देने वाले मंच से ही यह कहा जा रहा है कि बिहार में पहले क्या स्थिति थी। पटना की बात करें तो पटना में क्या शाम में कोई दुकान खुलता था क्या? आखिरकार ये हमला किस पर है? आरजेडी से बात करते हैं। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि इससे पहले क्या स्थिति थी, जब हम 2005 में आए उससे पहले राजधानी पटना की भी बात कर रहे हैं, क्या शाम में दुकान खुलती थी, लड़कियां चलती थी, इस तरह की बातें कही जा रही है। जब से प्राकृति बने तब से शाम भी था, सुबह भी था, रात भी था, दिन भी था। भारतीय जनता पार्टी अलगाववाद को बढ़ावा देकर करके नफरत जरूर बांटती थी, धीरे धीरे सब चीज़ पर नकेल कसे जाते रहे। 90 के पहले रक्त रंजित था बिहार, उसको टेकल करना चुनौती था, उसको टेकल किया गया। अपराध रहित बिहार दिया गया, जो अपराध सहित था 90 के पहले, हम उसकी चर्चा नहीं करते। बात सही है, एक सामाजिक क्रांतियाँ जो इस राज्य के अंदर में आई, उसके नायक आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो हमने नजीरे पेश की कई क्षेत्रों में, वह भी आज काबिले तारीफ है। साइकिल और पोशाक नीतीश जी ने बांटी। हर सरकारें कुछ न कुछ बेहतर करती है, साइकिल पोशाकें बांटी गई, उससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती गई, इकोनॉमिक बूम होता गया, बाजार बसते गए, बाजार लगता भी गया, तो सवाल तो साफ है ना कि हर सुबह के बाद एक शाम, हर शाम के बाद एक सुबह होते ही रहता है। सवाल ये है कि नीतीश कुमार इस बात को फिर खुले मंच से कह रहे हैं ना? नीतीश कुमार जी जो खुले मंच से कह रहे हैं, उसी पर ना हमने बातें कही कि साइकिल पोशाक बाद में मिला तो इसको कौन इनकार करेगा कि नहीं मिला है। बिहार में महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? महागठबंधन बिल्कुल ठीक है, सही है, सलामत है, अग्रसर है। जिस तरीके का बयान प्रशांत किशोर ने दिया और उसके बाद अब नीतीश कुमार की ये बात है, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है ना? प्रशांत किशोर पेशेवर है, वो व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं, कोई योगदान नहीं है सामाजिक अवदान न योगदान। ऐसे लोग जिनका उद्गम स्थल प्रादुर्भाव ही जिनका गुजरात से हुआ हो, दिल्ली और यूपी और बंगाल और बिहार इन्होंने काम किया है पैसे के लिए, ये सब राजनीतिक कार्यकर्ता थोड़ी है। क्या बोलता है नहीं बोलता है महत्वपूर्ण विषय नहीं है। तो एक तरफ नौकरी जो बांटी जा रही है और अब यह कहा जा रहा है कि बिहार में रोजगार मिलने जा रहा है, छठ के बाद तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि और नौकरी देंगे। नौकरियां मिलती ही रहेगी और नौकरियां मिलती ही जाएगी, इसकी चिंता ना करें। चलिए देखिए, हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। सवाल है कि आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बात को कहा है, लेकिन इनका कहना है कि साइकिल और पोशाक दिया गया है, लेकिन जो सामाजिक एक कहा जाए सामाजिक न्याय जो हुआ और उसके जो नेता हैं वो हैं लालू प्रसाद यादव, और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन बिहार में अब यह सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या तेजस्वी यादव मंच पर बैठे हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार ने इस बात को कह दिया। हालांकि आरजेडी का क्या पक्ष था आपने सुना है। बने रहिए इस इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।